हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं, अगर आप कोई भी दवा लेते हैं उस दवा के वजह से अगर आपके बॉडी में कोई भी रिएक्शन हो गया है तो उसके इलाज के बारे में वीडियो में देखने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं उसके वजह से अगर आपके बॉडी में कोई भी रिएक्शन हुआ है। तो सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है, स्किन में रैशेस हो जाते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं, स्किन में ऐसे काले काले रैसेस दिखाई देने लगते हैं। दूसरा जो सिम्टम देखने को मिलता है, हिप्स हो जाता है। हिप्स का मतलब होता है जिसको गांव में अधन्नी बोलते हैं, ये सिम्टम देखने को मिलता है। तीसरा जो सिम्टम देखने को मिलता है, बॉडी में ईचिंग मतलब खुजली होने लगती है जोर से, ठीक है। और जो चौथा सिम्टम देखने को मिलता है कि बॉडी में सॉइलिंग होने लगता है। इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर सॉइलिंग होने लगता है। और जो हमारा लास्ट सिम्टम देखने को कॉमन सिम्टम में आता है, जो ब्रीदिंग है मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ये पहला मैंने बता दिया कॉमन सिम्टम कौन कौन से देखने को मिलता है अगर आपके बॉडी में कोई भी एलर्जी हुआ है। अब देखते हैं कौन कौन से सीवियर सिम्टम देखने को मिलता है। सीवियर का मतलब होता है कि जो एकदम लास्ट स्टेज में सिम्टम है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो पहला कि जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है, अगर आपको कोई भी मेडिसिन से रिएक्शन हुआ है। दूसरा है कि नौजिया और वोमिटिंग होने लगती है, ठीक है, नौजिया वोमिटिंग मतलब उल्टी होने लगेगा, ठीक है, और जी मिचलाने लगेगा, ये हमारा सीवियर सिम्टम देखने को मिलता है। डाइजीनेस मतलब चक्कर आने लगता है अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं। सीजर मतलब झटका आने लगता है। और यहाँ पे कि जो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा होती है अगर आपके बॉडी में कोई भी मेडिसिन का रिएक्शन हो गया है तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे। और अगला जो है कि आपको वीकनेस फील होंगे और जो आपका पल्स रेट है, ठीक है, पल्स रेट आपका हाई हो जाएगा और जो ब्लड प्रेशर है यह भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो सीवियर सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि जो कॉमनली कौन कौन से मेडिसिंस हैं जो जो मतलब कि एलर्जी शो करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेडिसिंस आता है, ये हमारा आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिंस होती है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करती है या किल करती है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये क्या करती है, हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन शो करने का काम करती है। जैसे इसमें बात करते हैं पेंसिलिन के बारे में, ठीक है, पेंसिलिन बहुत बेस्ट एग्जांपल है। दूसरे मेडिसिन के बारे में बात करते हैं पेन किलर। अगर आप पेन किलर जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ये दोनों मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपके बॉडी में कई सारे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। और तीसरा यहाँ पे अगर आप कोई भी एंटी कैंसर मेडिसिन लेते हैं तब भी आपके बॉडी में रिएक्शंस हो जाते हैं। कोई ऑटो इम्यून ड्रग आप लेते हैं तब भी उसके वजह से आपके बॉडी में एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या कारण है, कौन से कारण से हमें एलर्जी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो पहले लाइन में लिखी गई है, अगर आप कोई भी दवा खाते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम उस दवा को पहले डिटेक्ट मतलब पहचानता है, पहचानता है, फिर क्या करता है कि अब देखता है कि यह हमारा जो है दवा जो हमने खाई है यह हमारे बॉडी के लिए अच्छी है कि नहीं अच्छी है। पहले तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचानेगा, फिर क्या करेगा, अगर पहचान लिया कि यह हमारे लिए हार्मफुल है, अगर हार्मफुल रहेगा तुरंत क्या करेगा, उसके जैसा ही क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा। अगर यही एंटीबॉडी नहीं बना पाता है तो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस शो होने लगते हैं। तो यही कारण है, मेन कारण है। अब बात करते हैं कौन सी एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सी हम मेडिसिंस यूज़ करते हैं। अगर हमारे बॉडी में ईचिंग होने लगती है, अगर कोई भी मेडिसिन लेते हैं, अगर हमारे बॉडी में ईचिंग होने लगी या कोई भी एलर्जी होने लगी या तो हमारे बॉडी में रैसेस होने लगते हैं, तब उसके लिए हम एविल जो आता है और जो डेक्सा आता है इसका हम यूज़ कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो और दूसरे मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, अगर हमारे बॉडी में मतलब कि अधन्नी हो जाती है, हिप्स हो जाता है या हमारे बॉडी में रैसेस होने लगते हैं या हमें कोई फूड से रिएक्शन है, फूड से हमें एलर्जी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन आता है इसको हम यूज़ करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इसको जो हम आईवी इसका हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी है कि आईवी इसको हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अगर हमारे बॉडी में जो है अगर कोई एलर्जिक रिएक्शंस होते
लेते हैं, ठीक है, अगर हमारे बॉडी में कोई एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोमेथाजिन जो इंजेक्शन हमारा आता है इस फॉर्म में आता है, ठीक है, तो इसको आप इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसको आप आसानी से ले सकते हैं अगर ए बॉडी में एलर्जी देखने को मिलती है। अब आगे बात करते हैं अगर हमारे बॉडी में सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो गए हैं, ठीक है, और अगर कोई इंसेक्ट हमें बाइट कर लिया, मतलब काट लिया, कोई कीड़ा हमें काट लिया, उसके वजह से हमारे बॉडी में एलर्जी हो गई है, या तो अगर हम कोई भी मेडिसिंस लेते हैं या तो कोई फूड खाते हैं, अगर उसके वजह से अगर हमारे बॉडी में एलर्जी हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो एफिनेफ्रिन इंजेक्शंस आता है इसका हम यूज़ करते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर हमारा यह इंजेक्शंस आता है, ठीक है, इसको हम IM और सकुटेनियस दोनों तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना था, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।